हेलो स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। आज हम जी मैन 2019 और 20 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो टॉपिक आपका अभी हम डिस्कस करेंगे, जी मैन के लिए हमने फिजिक्स में 20 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा था। जो 20 वाला पार्ट है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन, ये तीन टॉपिक हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक हैं आज इन सालों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और क्वेश्चंस भी इनसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे इन दो सालों में करीब करीब 60 क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो रखे हैं। अब 60 क्वेश्चन है तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में एक से अपन 30 क्वेश्चन स्टडी करेंगे और 31 से 60 दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देखें, पहला क्वेश्चन है कि ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये आपको इसमें दिया हुआ है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इज इक्वल टू दिस, द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट विल बी। तो उस समय बी का वैल्यू कितना है वो आपसे पूछा है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं ई और बी का यहाँ रिलेशन क्या होता है। तो ई का जो रिलेशन होता है वो आपको पता है, ई इज इक्वल टू होता है आपका बी इंटू सी। अब पीक वैल्यू के रूप में है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और अगर आर एम एस वैल्यू आप इसकी यूज करते हो तो बेटा जी आपको लिखना पड़ेगा इसका बी आर एम एस इंटू सी। ई और बी का जो रेशियो है, ई नॉट और बी नॉट, इनका रेशियो जो बेटा जी है वो क्या है, वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये फ्री स्पेस के लिए अपन यूज करते हैं, मीडियम में है तो उसका वैल्यू है वो वी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हमें यहाँ पढ़ना क्या था, हमें इसमें फाइंड करना है बी। ओके, आपको दे रखा है इसमें ई, तो यहाँ तो जिस रूप में दे रखा है उस रूप में इसको फाइंड कर लीजिएगा। तो बी इज इक्वल टू बेटा जी होगा क्या, ई बाई सी। अपने पास ई कितना है, ई है 6.3 और C है कितना 3×10^8। तो इसको उड़ाओ, यह आपका 2.1, इसको ऊपर ले जाएं तो 2.1×10^-8 ये इसका टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा जी सेकंड। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखें आप, तो इसमें आपसे पूछा द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए लाइट वेव इज गिवन एट द ओरिजिन बाई बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन दिस एंड दिस। तो एक तो जो इक्वेशन आपको दे रखा है बी का जो इक्वेशन है उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ इसके दो पार्ट है, दो पार्ट के सुपरइम्पोज से ही आपको दे रखा है वेव। यहाँ दो फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी देखो ये वाली है, एक फ्रीक्वेंसी ये वाली है, जिसमें से यहाँ है 3.14, ये है कितना 6.28। तो ये फ्रीक्वेंसी कैसी है, वो पहले के कंपेयर में ज़्यादा है। इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन ए सिल्वर प्लेट हैविंग ए वर्क फंक्शन ऑफ 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ये कोई एक फोटोसेंसिटिव मेटल है जिसका वर्क फंक्शन आपको दिया जा रहा है 5 नॉट, वो है बेटे जी 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसकी के मैक्सिमम कितनी होगी, या ई जो है मैं उसको काइनेटिक के रूप में लिख रहा हूँ वो कितनी है, ई मैक्सिमम आपसे पूछ जा रही है। तो ई के मैक्सिमम होने के लिए जो फोटोन अपन यहाँ डाल रहे हैं उसकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मैक्सिमम। हमारे पास दो फोटोन है यहाँ पर, दो तरह के फोटोन है, एक कम फ्रीक्वेंसी का है एक अधिक फ्रीक्वेंसी का है, तो इसकी एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है। अब इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करना है कि इसका एनर्जी कितना है। तो हमारे पास देखो ये है क्या, ये एक तरह से 6.28×10^7 CT। यदि इसको मैं यहाँ से बाहर लेता हूँ तो ये वैसे है क्या, देखो आप 6.28×10^7 CT ये एक तरह से किसके बराबर है, ये है 2πf×T के बराबर। ठीक है, T से T को मैं यहाँ से हटा दूँ, ये 2π से 2π को यहाँ से हटा दूँ, तो F हमारे पास कितना आया, F है बेटा जी 10^7 × C यानी 3×10^8 और 7 कितना बेटा जी हुआ 15 हर्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी है।
इसको अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फोटोन की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, आप इसकी एनर्जी निकालें। तो एनर्जी निकालने का बहुत सीधा तरीका होता है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है 3×10^2 वैसे इक्वल टू एच न्यू अपॉन अपन ई करेंगे तो वैल्यू आएगा। और इसका एक सिंपल तरीका भी है, तो 3×10^15 ये फ्रीक्वेंसी थी, इसको 10^-15 गुणा कर दें और 4.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे में सीधा हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 4.2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6, ये 4×3 कितना हो गया 12, तो ये हुआ आपका 12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी का फोटोन आप डाल रहे हो, ठीक है। तो जो अपन यहाँ फोटोन जो है वो है बेटा यहाँ पे कितना 12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जिसमें से इतनी एनर्जी यहाँ इसको इमिट होने में कंज्यूम करनी पड़ रही है, तो मैक्सिमम कितनी आएगी आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना। तो ये वैल्यू आपको मिली 12.6-4.7 और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आपका जो है वो क्या मिलेगा बोलो, 12.6 और ये 4.79 और इसमें से ये हो गया आपका 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7.9 के अप्रोक्स जो आंसर है वो कौन सा है इसमें, ये फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, तो क्वेश्चन आपका सेकंड भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू फाइंड करना और जल्दी सोल्व करना अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये कह रहा है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज यू ई एंड विद मैग्नेटिक फील्ड इज यू बी फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस देन। तो आप जानते हैं इसमें कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसलिए इन दोनों का एवरेज वैल्यू क्या होता है, दोनों का सेम होता है, बिल्कुल दोनों का सेम होता है। यानी एवरेज वैल्यू इसका हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर, ये तो है किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2μ0, दोनों हमेशा कैसे हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्लियर। बढ़े आगे बेटे, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन फोर देखें, इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये आपको दे रखा है इसका बी का वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट इज, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू आपसे पूछा है। देखो ये बी इक्वल टू बी नॉट, ये इसका पीक वैल्यू है और इससे आपको निकालना है ई नॉट। तो ई नॉट वैसे है क्या, ई नॉट की वैल्यू बेटा जी होता है बी नॉट इन टू सी। तो आपको जस्ट देखो ये 100×10^-6 और इसको सी से यानी 3×10^8 से मल्टीप्लाई करना है, कर दें इसको मल्टीप्लाई। तो यहां माइनस की 4 यहां हो गई, -4 यहां से कम हो जाएगी, तो 3×10^4 ई वोल्ट पर मीटर, 3×10^4 वोल्ट पर मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फोर का भी आंसर प्रॉपर आपको मिल गया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फाइव में। फाइव का जो क्वेश्चन है उसको देखें आप, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन दिस। अब ये क्वेश्चन देखो टी इज इक्वल टू जीरो पर है, ये किसी इंस्टेंट टी पर नहीं है, और इस क्वेश्चन की खास बात यही है, यहां ये टी जीरो पर दे रखा है, ओके। द मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स जेड टी, बी आपको फाइंड करना है एक्स जेड और टी के टर्म में, वो किसी इंस्टेंट टी पे पूछा है, ध्यान देना ये दे रखा है ई अपने को किस में, टी जीरो पर पूछा, किस पे, बी टी समय पर, इसलिए उसको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इसको देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन को थोड़ा देखें, इसके लिए अपन पेज खाली कर लें और इक्वेशन देखो आप, इसमें जो आपको दे रखी है उसको अपन लिख लेंगे बार। इक्वेशन है बेटे जी इज इक्वल टू 10cos 6x + 8z, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी आपको शायद मेंशन कर रखी होगी इसमें, ये है जे के,
इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, जे केप की डायरेक्शन में है। अच्छा अब इसको हल्का सा मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, देखो टेन चाहे तो मैं जे को इसी के साथ लिख दूँ कॉस, और सिक्स एक्स प्लस एट जेड, थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम रह रहा है तो क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। हाँ तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है इस टॉपिक का। मैंने कहा था कि टी जीरो पे आपको इसमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, एट टी इज इक्वल टू जीरो ई इज इक्वल टू टेन जे कोस सिक्स एक्स प्लस एट जेड, ये आपको दे रखा है ई का इक्वेशन टी जीरो पर। अब देखें मैनली इसको अपन ऐसे लिखा करते हैं इक्वेशन को, टेन जे कोस के डॉट आर, समझे, के डॉट आर के रूप में अपन इसको लिखते हैं, ये इसका लिखने का ट्रेंड होता है। अब देखो इसको अगर कंपेयर करते हैं, दोनों को अपन कंपेयर करें, कंपेयर से पहले आप इस सिक्स एक्स प्लस एट जेड को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो सिक्स आई केप प्लस एट के केप डॉट एक्स आई केप प्लस जेड के केप, इसको आप वापस डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। अब ऐसे लिखने से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ईजी बन जाएगा। अब इसका आप करो कंपेरिजन, जब इसका अपन कंपेरिजन करेंगे तो आप समझ सकते हो कि यहाँ k डॉट r, ये r की इक्वलेंट है, यहाँ पे k इक्वलेंट ये है, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, 6ik plus 8kk, तुलना से k का मान आपको मिल गया 6ik plus 8kk। अच्छा जी यदि इसका आपको मोड निकालना हो तो k का मोड कितना, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36, 64, 100 का रूट कितना हो गया 10, t आपको k का वैल्यू मिल गया। अब उसके पश्चात देखो, आप जानते हो किसी वेव के लिए ओमेगा और के का रेशियो जो है वो क्या होता है, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, इससे अपन ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। तो ओमेगा हमारे पास कितना, के इंटू सी, और के का मान कितना बेटा 10 था, 10 सी इसका वैल्यू बन गया। ये इक्वेशन टी इंस्टेंट पर इक्वेशन बनाने के लिए काम में लेना पड़ेगा। जैसे अब एक बात और आगे भी अपने क्वेश्चन में काम आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू वो हमेशा माइनस के केप के अलोंग होती है। पहले के आप निकाल लो, उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव करते ही आपको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी माइनस के केप में। अच्छा अब मैं लिखता हूं एट टी इंस्टेंट पर ई का इक्वेशन, हम टी जीरो पे जानते हैं, ओनली आपको लिखना किस पे है इसको, किसी इंस्टेंट टी पर। तो जैसे कि आप जानते हो इक्वल टू यहां पे टेन जे कोस सिक्स एक्स प्लस एट जेड, तो क्या था वो टी जीरो पे था, माइनस ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा टी हमने ज्ञात किया, ओमेगा हमारे पास क्या था टेन सी, तो ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी माइनस टेन सी इंटू टी, इसका आंसर है वो आ गया, ये अब ई का वैल्यू है। अब देखो हमारे पास ई टी जीरो पर भी है और टी किस में इंस्टेंट पर भी है, दोनों आपने फाइंड कर लिए। अब इन दोनों की हेल्प से आपको इसमें फाइंड करना है, यहां जो प्रोसेस में यहां लिख रहा हूं कि बहुत शानदार है इसमें, इसको भी ढंग से आप समझें, बहुत से टॉपिक्स में बहुत से क्वेश्चंस में इसका अच्छे से यूज होता है। एक तो देखो जब भी आप ई एम डब्ल्यू में डायरेक्शंस फाइंड करते हो तो वहां पे बेसिकली अपन लोग पढ़ते हैं कि जो ई का डायरेक्शन होता है वो बी केप क्रॉस सी केप के अलोंग होता है, होता है। परंतु हम इसको वाइड वे में सोचें, हर तरह से इसको अपन सोचें, तो जो ई था वो बी क्रॉस सी था, ई क्या था बी क्रॉस सी के बराबर था। अब इसको हम हर तरह से ले सकते हैं कि ई क्रॉस बी का वैल्यू किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। मैं कहता हूं बी क्रॉस सी का वैल्यू किसके इक्वल है, ई केप के इक्वल है, सारी डायरेक्शंस के लिए है, केप के लिए है। मैं कहता हूं कि C क्रॉस E वो किसके इक्वलेंट है, B के। अगर आपको E का डायरेक्शन निकालना है तो इसको यूज कर लें, या आपको इसको निकालना है इसको यूज कर लो। तो दो हमेशा इसमें क्या होते हैं, गिवन और एक आपको फाइंड करना होता है, बात क्लियर। अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन थी, अब इस इक्वेशन में पुनः अपन आते हैं, आपको एक तो मैं पूछूं कि E का डायरेक्शन किस तरफ है, साफ डायरेक्ट है प्लस जे में, E का डायरेक्शन किस तरफ प्लस जे में है, ठीक है। दूसरा देखो आप यहां पे हमने के निकाला था, हमारे पास k था बेटे जी, k का मैंने वैल्यू निकाला था, k हमारे पास था 6ik plus 8kk, तो ये जो k हमें मिला है इस k की डायरेक्शन अपन निकालें तो k केप कर दें, k केप कितना होगा 6ik plus 8kk upon 10, भी k केप इसकी डायरेक्शन है वो k केप से अपन निकालते हैं, वही माइनस k केप, माइनस k केप से इसकी डायरेक्शन आती है। तो मैं लिखता हूं 6ik plus कितना 8kk upon इसका मोड वो कितना है 10, ये इसकी है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोनों वैल्यू अपने को मिल चुकी हैं, आप समझो ये
सिक्स आई केप है, अब ये आठ आपका प्लस का के केप, दोनों ही प्लस के हैं, माइनस इसको करता हूँ, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। जब नेगेटिव हो जाएंगे तो आप देखें कि अगर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव में है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे भाई, थर्ड में आएंगे। तो देखो हमारे पास नॉन इसमें क्या है और हमें फाइंड किसको करना है, उसको आप सिलेक्ट कर लो। ई हमने कहा प्लस जे में है, ये मालूम चल चुका है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव वो वैसे है क्या, माइनस के केप, माइनस के केप की और सी की दिशा कैसी है, समान है। तो सी केप है जो आपका माइनस के केप में है, ये भी आपको मालूम चल चुका है। अभी दो तो नॉन है और बी की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है, समझे ना, ये दो हमें नॉन दे रखे हैं और बी हमें फाइंड करना है। इसलिए अब देखो अपन क्या लिखें, इसका मतलब है कि सी केप क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या होगा, बी। सी केप क्रॉस ई इज इक्वल टू कौन सा, बी। तो हमने इसीलिए यहां लिखा, देखो सी केप क्रॉस ई, ध्यान दें आप इसमें कि सी केप क्रॉस ई इज इक्वल टू बी केप। आपको अब डायरेक्शन निकालनी है तो सी को ई की तरफ, जैसे कि आप राइट हैंड थंब रूल से बात करते हो, तो ध्यान दें आप इसमें कि ई किस तरफ था, मैंने यहां लिखा एक्स एक्सिस, यहां ले, मैं इसको ले रखा मैंने जेड एक्सिस, तो ई किस तरफ था, प्लस वाई में है ना, जे में था, तो ई तो मैंने ऊपर लिखा, यहां एक डॉट के रूप में ई है मैंने शो कर रखा है देखो। और फिर माइनस के केप किस तरफ था, वो था माइनस आपका था, देखो माइनस में आई और के भी कैसा, माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरफ। अब सुन लो भाई, ई तो ऊपर की तरफ है और सी इस तरफ है, यानी इस तरफ तो वेव मूव कर रही है, ई इस तरफ है, और आप जानते हैं ई एम डब्ल्यू में ई और बी और सी तीनों हमेशा आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इनके हेल्प से आप सिंपल राइट हैंड थंब रूल से बी का डायरेक्शन है वो निकाल सकते हो। कैसे करते हो, देखो हमने कहा कि सी क्रॉस ई बराबर क्या है, बी है, जिसमें अगर हम फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की तरफ स्मॉल एंगल से रोटेट करते हैं तो सी इस तरफ है, ये सी, और यहां पर अपने पास कौन सा ऊपर की तरफ, ये ई है, इसको मैं ऐसे घुमाता हूं, रोटेट करता हूं, रोटेट करने में थंब किस तरफ है, थंब जो उस तरफ है वो किसको शो करेगा बेटे जी, वो बी की डायरेक्शन को शो करेगा। अब बी अगर उस तरफ है तो उस तरफ क्या है, देखो ये एक्स तो माइनस का और जेड कैसा, प्लस का, एक्स माइनस जेड, बोलो बोलो, प्लस। अच्छा अब देखो डायरेक्शन भी आप यहां से जो अपने पास ये सिक्स आई के प्लस एट के केप था उससे अपन एंगल निकालते हैं तो ये एंगल आपको मिलता है 53 डिग्री। ये 53 डिग्री होने पर ये पूरा है आपस में 90, आप जानते हो यहाँ पे सी है, ये बी है और ये ई, आपस में तीनों 90 पे हैं, इसके 53 होने पे 37 आ गया। अब देखो अगर मुझे बी का लिखना है डायरेक्शन, बी के बनाना है, तो आप इसको एक मान करके, इसको वन मान करके इसके आप करें कंपोनेंट, तो एक तो है 1 cos 37, ये 1 sin 37, साइन 37 और कोस 37 की वैल्यू आप आराम से लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ 1 एज्यूम करके इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया है, तो एक तो है देखो कौन सा, एक्स तो है माइनस का, वाई कैसा आपका, वाई नहीं, यहाँ जेड, ध्यान देना ये एक्स और ये आपका जेड, तो एक्स तो माइनस का, तो कोस 37 होता है 4/5, तो माइनस 4/5 आई केप और प्लस 3/5 के केप, ये हमें यहाँ पर बी की डायरेक्शन है वो मिल जाएगी। इतना सारा काम करना पड़ेगा परंतु इतना समझ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब कुछ नहीं करना, अब आपको इक्वेशन लिखनी है बी की, तो बी के लिए सबसे पहले आप लिखना है बी नोट, बी नोट बेटा जी है क्या, ई नोट अपॉन सी, तो ई नोट तो हमारे पास क्या था 10, तो 10 अपॉन सी कर दिया, फिर इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन मैंने लिख दी साथ में। अब इनटू जो आप इसके साथ जो भी आगे आप लिखने वाले हो वो पूरा का पूरा पोर्शन आपका टी इंस्टेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था पार्ट वो आपको इसके साथ ऐड कर देना है, और ऐसे करते ही आपको इसका आंसर है वो मिल जाएगा। और देखें आप इसमें ये पूरा का पूरा जो आपका यहाँ चाहे तो 5 को अपन कॉमन ले लें, 5 कॉमन लेंगे तो 5 यहाँ से कट जाएगा और आपका आंसर है वो प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है भाई, जैसे देखो इसका आंसर आएगा सेकंड 1/c, आप पूरा मैच कर सकते हो आराम से। ठीक है बढ़े आगे, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आप कम से कम 2 बार ढंग से चेक करें तब जाकर के आप इसको आप सही कर पाओगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी 50 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटर्स इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन यहां दे रखा है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विदाउट एनी लॉस, लॉस इसमें किसी प्रकार का नहीं हो रहा है,
the ratio of the magnitudes of electric fields and the ratio of the magnitude of magnetic fields of the wave before and after entering in the medium are respectively given by. तो ये आपसे पूछ जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. तो इसके लिए अपन पेज खाली कर लें. क्वेश्चन में बस ध्यान देना है कि जो वेव है वो कैसा फ्री स्पेस से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर कर रही है, क्लियर. और मीडियम में इंटर करने के पश्चात उसकी उसकी इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं हो रहा है. ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने को फाइंड क्या करना है, पहले बिफोर और आफ्टर ई का रेशियो और बी का रेशियो किस प्रकार से वो आपको बताना है. तो आइए साहब, जैसे मान लो ये कोई एक मीडियम है, ये कोई एक ईएमडब्ल्यू इसमें आ रही है और आने के बाद इसका यहां पे हो रहा है रिफ्रेक्शन. तो जैसे मान लो इसमें इंटर कर गई, तो एक तो इंटर होने से पहले मान लो इसका पार्ट इसकी इंटेंसिटी आई है, इंटर होने के बाद इसकी मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी ये आई नॉट, इसको मैं कह रहा हूं आई मीडियम. इनमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी वही है, इक्वल है. यानी आपको यहां क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी इन मीडियम इज इक्वल टू इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस. येलो ये मीडियम का, ये कौन सा आपका फ्री स्पेस का. अब इंटेंसिटी आपने ईएमडब्ल्यू में पढ़ा होगा, ये होती है हाफ एप, अब ये मीडियम का लिख रहा हूं तो एप्साइलन ई स्क्वायर इंटू वी. इस मीडियम में इंटर होने के पश्चात जो लाइट है उसकी स्पीड, यहां इसकी स्पीड सी है, यहां इसकी स्पीड बेटा जी कौन सी है, वी स्पीड है, क्लियर. अब इसको लिख रहा हूं फ्री स्पेस के लिए, तो ये बन गया आपका हाफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी. बस अब देखो थोड़ा इसमें और बदल दूं, हाफ एप्सिलॉन जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, सॉरी एप्स, हाँ ठीक है यहां स्क्वायर नहीं होता ना, मैं ओनली इस एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर रहा हूं. तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और ये हो गया आपका ई स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी. आप एप्सिलॉन नोट बाई टू से इसको उड़ा सकते हो. अब आपको इससे पूछा क्या जा रहा है, वो पूछा है कि इंटर होने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटर होने के बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेशियो कितना है. तो ये ई नोट का स्क्वायर है, इस ई स्क्वायर इधर ले आता हूं, बाकी जो पोर्शन बचा है उसको एक बार लिख देता हूं. देखो ये हमारे पास बचा है एप्सिलॉन आर इंटू वी अपॉन कर दूं यहां पर सी, ठीक है साहब. अब देखो वी अपॉन सी, v अपॉन सी तो क्या होता है, खुद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है. तो हम और दूसरा यहां पे है एप्सिलॉन आर, इसका एक पहलू देखो आप, आपने पढ़ा होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, इसका अपन कर दें स्क्वायर, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर. अब देखें हमें यहां से एक तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू, तो एप्सिलॉन आर हमारे पास कितना होगा, और एक बहुत ही काम की बात और है कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसके लिए म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट वन होती है. ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए म्यू आर कितना है, अप्रोक्सीमेट वन है, इसलिए एप्सिलॉन आर हमारे पास कितना है एन का स्क्वायर. तो वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन आर तो है बेटा जी एन स्क्वायर और वी अपॉन सी, आप जानते हो सी अपॉन वी क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो वन अपॉन एन हो गया. ये इससे उड़ा दो, हमारे पास वैल्यू कितनी आई एन. तो ये E नोट अपॉन E का स्क्वायर का वैल्यू कितना हमारे पास है N, इसका अपन कर देंगे रूट. तो ऐसे में E नोट अपॉन E इसका वैल्यू हो गया रूट ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. तो ये तो हो गया आपका E का रेशियो. अब बात करता हूं दूसरे की, तो दूसरे में देखो यही बात कह रहा है, इंटेंसिटी सेम रह रही, अब इसको बस इसी को हमें यूज करना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड के रूप में. तो उसके लिए भी मैंने कहा था कि दोनों की इंटेंसिटी, दोनों के फॉर्मूले आपने पढ़ा था कि जो ईएमडब्ल्यू होती है वहां जो एनर्जी होती है वो ई और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं. बस वहां पर भी अगेन आपको वही प्रोसेस काम में लेने, देखो यहां पर भी आई एम इज इक्वल टू कौन सा आई, मैं लेता हूं कौन सा आई नॉट, ये है मीडियम के लिए, ये बेटा जी है फ्री स्पेस के लिए, मीडियम के लिए तो बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू, ये तो इसका फॉर्मूला इन टू
मीडियम में उसकी स्पीड कितनी बेटा जी, वी। अगेन ये है बी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट इंटू सी। फिर हमें इसको बदलना है, मैं यहां लिखूं म्यू की वैल्यू, आप जानते हो म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो देखें बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू बी इज इक्वल टू बी नॉट का स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट इंटू सी। क्लियर, ये टू म्यू नॉट से टू म्यू नॉट कैंसिल। और म्यू आर अपन जानते हैं, मैंने अभी कहा था कि ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए, एक पारदर्शी माध्यम के लिए म्यू आर रफली कितना एक होता है। अब बचे हुए से अपने को इसकी करनी है कैलकुलेशन। तो यहां देखो बी नोट का स्क्वायर अपॉन, वापिस मैं कर दूं यहां पे, देखो बी नोट अपॉन बी इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू सेस क्या रही, ये रही वी अपॉन सी, वी अपॉन सी, म्यू आर तो खत्म हो गया ना, क्योंकि आपका वन अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब आपको इसका निकालना है, रूट कर दें, इसका रूट कर दूं तो इसका रूट कर दो भाई, ये लो वन अपॉन रूट एन। तो आप देखें ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी आप ढंग से पढ़ें और इसका आंसर देखो। हमें इसका यहां भी रेशियो मिल चुका था कि ई नोट अपॉन ई तो कितना रूट एन के बराबर है, और बी नोट अपॉन बी है वो कितना वन अपॉन रूट एन के इक्वल है। ठीक है, बढ़े आगे। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेवन में। देखिए साहब क्वेश्चन सेवन ये है, 27 मिली वाट लेजर बीम हैज ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 10 मिलीमीटर स्क्वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। तो अपने को इसमें दे रखी है 27 मिली वाट की लेजर बीम है, इसकी पावर दे रखी है और ये है इसका एरिया। तो आप इससे इसकी निकाल सकते हो इंटेंसिटी। तो EMW में इंटेंसिटी जो होता है ना आई, वो है बेटा जी वैसे पर यूनिट एरिया पावर। अब हमें इसमें फाइंड करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इसको बदल लो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। अभी अपन इसको यूज करते आ रहे हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और पूछ अभी कौन सा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पीक वैल्यू पूछी है, इनटू सी। क्लियर, अब सब कुछ आपको दे रखा है, पी दे रखा है अपने को, ए दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो, ई नॉट आपसे पूछा जा रहा है, सी दे रखा है। तो इसको तो बिल्कुल आप खुद ही कर लें, बड़े वैल्यू सब दे रखी हैं, इसके लिए समय अपन खराब नहीं करते, आप इसको बिल्कुल चेक कर लें, कोई समस्या नहीं है। यहां से देखो मेरे पास ये जो ई नॉट है इसका स्क्वायर है, उसकी अपन वैल्यू निकालते हैं, तो 2p अपॉन ए और ये हो गया आपका सी। ठीक है साहब, और एप्सिलॉन नॉट भी है, ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट, इनकी प्रॉपर वैल्यू पुट कर दो और उसका रूट कर दो, रूट करते ही अपने को ई नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। चाहो तो मैं सोल्व कर दूंगा, ये लो 2 इंटू पी का वैल्यू हमारे पास कितना है 27 मिली वाट, 27 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन ए, ए है बेटा 10 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो मिलीमीटर को बदलो पहले आप, कितना 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 6, ये हो गया 10 कम इससे 10 की पावर माइनस का 5 इंटू सी, ये है बेटा 3 इंटू 10 टू पावर 8 और एप्सिलॉन नॉट इसको अपन रफली मान लें 9 इंटू 10 की पावर, दे भी रखा है देखो आपको, दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये होगा 9 इंटू 3 27 से 27 आपका कैंसिल, तो 2 रूट 2 तो 1.4 वाला ये आंसर आएगा, बिल्कुल चेक कर लो, बिल्कुल ऐसा ही आंसर आने वाला है। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी जैसा ही क्वेश्चन है, बस उसने पूछा क्या है वहां वर्ग माध्य मूल यानी दर आरएमएस वैल्यू पूछा है। तो देखो वर्ग, द मीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज अबाउट 10 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहां तो आपको इंटेंसिटी दे रखी है, ये लो साहब इंटेंसिटी आपको दे रखी है, इसको वैल्यू पुट करना है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्लोजेस्ट टू, तो अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आपको पूछा है आरएमएस, यानी आपको फाइंड करना है बी आरएमएस। बढ़े आगे, तो आई इज इक्वल टू, मैंने कहा था ये है हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इनटू सी, इसी को बदल लें अपन, ये बी नॉट इनटू बी नॉट, इसको रूट टू कर दूं। जैसे कि आप जानते हो बी नॉट बाई रूट टू जो है बेटा जी वही तो आपका बी आरएमएस है, है ना। तो मैं अगर इसमें जो बी नोट अपॉन टू था ना, ये जैसे बी नोट इंटू बी नोट
अपॉन इसको रूट टू करता हूँ तो इसका वैल्यू बन जाता है, यानी आपका ये बन गया बी आर एम एस का स्क्वायर। तो देखें, गौर करें आप अच्छे से, आई हमारे पास हो चुका है बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। तो सीधे आप इसे सॉल्व करेंगे, इसी से आपका आंसर है वो मिलेगा। देखो तो बी आर एम एस का वैल्यू अपन यहां से निकालेंगे, तो आई म्यू नॉट अपॉन सी का रूट वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू आप फाइंड कर लो, आराम से हो जाएगा, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए इससे आगे बढ़े अपन, क्यों? चलो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन देखें आप। यह ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन, यह है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द वेव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आपको ई वाला फाइंड करना है, एंड टाइम इज ई आपको दे रखा है 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग वाई डायरेक्शन, ये लो साहब। तो देखो इसमें हमारे पास जैसे डायरेक्शन की बात जब आती है, तो मैंने अभी कहा था आपको कि ई केप बी केप और सी केप ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और इनकी डायरेक्शंस हैं उनको सीधे आप लिख भी दें। जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो सी जो है वो तो है देखो बेटे जी एक्स यानी आई केप। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द वेव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम इज इक्वल टू 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग वाई डायरेक्शन, तो ई है वो है आपको दे रखा है जे में, क्लियर। इट्स करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बी वुड बी, तो अब आपसे ओनली इसका बी पूछा है, तो बी क्या बनेगा? देखो बी बनेगा इसमें बी केप इज इक्वल टू हो जाएगा सी केप क्रॉस ई केप, इससे निकालना ज्यादा बेहतर रहता है, क्लियर। तो देखो आई क्रॉस जे क्या होता है? के। आई क्रॉस जे होता है क्या बेटे जी? के। तो इसमें इसकी डायरेक्शन आपको मिल जानी चाहिए, इजीली प्लस जेड डायरेक्शन हो जानी चाहिए ना, प्लस जेड डायरेक्शन में। ओके कोई इसमें करेक्शन नहीं है, सही है। तो हमने यहां से देखा कि सी क्रॉस ई देखो आप कौन सा आ रहा है बी, और वैसे भी आई क्रॉस जे होता है क्या है? आई क्रॉस जे के तो होता है ना, इसलिए बी का डायरेक्शन आपको मालूम हो चला है, और बी यहां पर किस तरफ आया बेटा जी? ये हो चुका है के केप की डायरेक्शन में, यानी प्लस जेड एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन आएगी। अच्छा अब आपको इसमें निकालना भी है बी का वैल्यू, डायरेक्शन अपन निकाल लिए वो तो मैच हो चुकी है, तो आंसर तो वैसे एक ही है ऑप्शन, अच्छा दो में है ना, तब आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बी आप निकालते हो तो बी का जो वैल्यू है वो बेटा जी है कितना? ई बाई सी, और ई आपको दे रखा है 6 अपॉन सी कितना है? 3 × 10^8, हटाओ इसको ये हुआ 2, तो आपका आंसर है 2 × 10^-8 टेस्ला अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, क्लियर। तो इसलिए अब इसका आंसर है वो फर्स्ट, बिल्कुल आप हक से कर सकते हो, धमाके से कर सकते हो। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये अपने को दे रखा है इस मैग्नेटिक फील्ड, तो पूछा है इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। वापिस बिल्कुल क्वेश्चन जो है उसी थीम पे है। यहां देखें बी 1.6 × 10^-6 cos this इस रूप में दे रखा है, और यहां इस बी की डायरेक्शन देखो, यहां पे दो चीजें हैं इस इक्वेशन से, एक तो देखो यह के जेड प्लस ओमेगा टी, यहां तो छुपा किसका डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो ये के जेड आपने पढ़ा जब यहां पे प्लस के रूप में, तो माइनस इसका मतलब यहां पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, अगर मैं वहां साथ लिख दूं वापस देखो कि ई केप बी केप सी केप इनको पहले ही आप चेक कर लिया करो, उसमें क्या गिवन है उनको पहले बना लिया करो, उसके बाद कि उसमें क्या अपने को रिक्वायरमेंट है उस पे अपन काम करेंगे। देखें तो यहां पे एक तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी वेव किस तरफ मूव कर रही है, सी की डायरेक्शन को पहले अपन चेक कर लें, वो है आपका माइनस के के। दूसरा बी की डायरेक्शन किस तरफ है? 2i+j, जो बी का डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन देखो वो उसके लिए अपने पास यहां है वो है 2ik+jk, इसका अपन
डायरेक्शन है वो आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो ई हमारे पास है वो अननोन है, इसके बारे में बात अपने को करनी है। तो मैं इसके लिए ऐसे करता हूं, ये मान लो एक्स एक्सिस, इसको मैंने मान लिया बेटा जी वाई एक्सिस। अब ये बी है वो 2i प्लस जे है, तो कौन सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना भाई, पॉजिटिव एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रूप में है, तो 2i प्लस जे, इसका मतलब यहां पर b किस तरफ है, b तो हुआ 2i, यानी x तो इसका 2 है मान लो और y इसका 1 है, तो मैं इसको ऐसे शो कर दूं, ये जो डायरेक्शन है बेटे जी वो मैं यहां शो कर रहा हूं किसकी डायरेक्शन, बी केप की। दूसरा देखो सी है माइनस के केप में, जब सी माइनस के केप में है तो इसको देखो मैं यहां शो कर रहा हूं डाउनवर्ड, माइनस के केप में है ये, यहां शो कर रहा है सी केप की डायरेक्शन को। अब आपको निकालना है कौन सा बी, सॉरी ई आपको निकालना है। तो पहले अब वापिस आओ, देखो हम ये सोचें इसमें कि ई होगा किस तरफ, तो बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या ई है, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में, यानी ध्यान दें इसमें कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ई होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप बी क्रॉस सी कर दो, राइट हैंड थंब रूल का आप उपयोग कर लो। तो बी क्रॉस सी देखो बी यहां किस तरफ है, बी तो इस तरफ है और सी नीचे है, तो इसको अपन ऐसे घुमाएंगे, फर्स्ट वेक्टर बी है, सेकंड कौन सा सी, बी को सी की तरफ अपन रोटेट करवाएंगे, तो किस तरफ आया, इस तरफ, यानी अब डायरेक्शन किस तरफ आई, देखो इसकी डायरेक्शन आपको मिल चुकी है, ये डायरेक्शन इस तरफ आ गई। क्लियर। अब ये कौन सी क्वाड्रेंट में, देखो आप यहां एक्स कैसा है, माइनस का है, वाई कैसा है, प्लस का है, ये तो बनेगा, और ऐसा ऑप्शन चेक कर लो जिसमें एक्स तो कैसा है माइनस और वाई कैसा है प्लस। तो इसमें एक शायद करेक्शन भी था हल्का सा, थोड़ा देख लें इस क्वेश्चन को, एक्स माइनस का और अच्छा हाँ इसका आंसर कौन सा, देखो एक्स तो होना चाहिए माइनस और वाई होना चाहिए आपका प्लस में, और ऐसा ऑप्शन एक ही है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें डायरेक्शन भी आपकी कितनी, माइनस वन और प्लस टू जे, जस्ट उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, ये दे रखा आपने को बी के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ओके कुछ पॉट भी दे रखे हैं, उसके बाद पूछा आपसे क्या, देखो द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए स्टेशनरी चार्ज क्यू एट जेड इक्वल टू जीरो इज क्लोजेस्ट टू, तो अपने को किसी एक रेस्ट चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है। अब रेस्ट चार्ज पे देखो यहां पर ई एम डब्ल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। आप जब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स फाइंड करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल पे, वो होता है कितना है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वहां पर बिना वेलोसिटी के फोर्स पॉसिबल नहीं है, बात क्लियर, यानी अरेस्ट में है पार्टिकल, इसका मतलब बी का जो फोर्स है उसको तो आपको देखना ही नहीं है। अब रहा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, वो क्या एफ इक्वल टू क्यू ही होता है। अब क्यू इंटू ई में अब आपको ई फाइंड करना पड़ेगा, बस ई फाइंड करके आप उससे इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंप्लीट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो वो अपन इसमें चेक करते हैं। तो अब इसको अपन सॉल्व करें बेटे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आए, इसको समझे आप, ई टू बी और बी टू ई का कन्वर्जन के बाद फोर्स में इसका कैसे अपन इस्तेमाल करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन फॉर्म करा हुआ। देखो आपको दे रखा था बी इज इक्वल टू बी नॉट आई कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस बी वन जे कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी, यानी यहां पर आपको बी में दो मैग्नेटिक फील्ड है वो सुपर इम्पोजिटिव है। अब उससे आपको फिर फोर्स निकालना था, मैंने आपसे पहले कहा था कि स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स अप्लाई करना है, जब स्टेशनरी पे अप्लाई करना है और टी इक्वल टू जीरो पे करना है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो अब देखो हमने कहा था आपसे कि स्टेशनरी पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई करेगा, तो आपको बी से ई निकालना पड़ेगा। मैं आपको बार बार ये बता चुका हूं कि बी से ई निकालना है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, आपको इसमें ई की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। क्लियर। तो देखो सबसे पहले बात करता हूं इस पहले वाले में, इस फर्स्ट वाले में बी तो किस तरफ है, आई में, जो बी आप देखें यहां जो बी दे रखा है बेटा जी, बी किस तरफ है, आई केप है ना, बी आई केप में है। अच्छा सी माइनस के साथ है तो ये है प्लस में, और किस तरफ बेटा, जेड, तो प्लस के केप में, प्लस के केप, तो आई क्रॉस के, बोलो क्या होता है।
चलो दूसरा मैं चेक कर दूं, इस दूसरे वाले में, ये इसमें इस वाले का यूज कर रहा हूं, इस वाले में आप देखो बी वन किस तरफ है जे में, ये है जे के, पर सी किस तरफ है, ये प्लस के साथ में दे रखा है तो माइनस का के के, माइनस से के के। अब बताओ भाई, यहां पर आई को आपको के से मल्टीप्लाई करना है, यहां पे जे को आपको माइनस से के से क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, देखें बताइए आई क्रॉस के क्या होता है, आई के आई क्रॉस के होता है माइनस का जे, क्लियर, ये माइनस का जे है बेटा। अच्छा आई जे क्रॉस माइनस का के, बोलो जे क्रॉस माइनस का के क्या होता है, प्लस आई या माइनस आई, बोलो बोलो। तो जे क्रॉस के वैसे आप जानते हो प्लस का आई होता है, तो है कैसा, माइनस का के साथ, तो माइनस का आई हो गया। अब ई, ये अपन ने ई वन के लिए यूज करा बेटा जी, और ये अपन ने ई टू के लिए, तो ई वन और ई टू की हमें डायरेक्शंस हैं वो मिल चुकी हैं। अब आपको ई की लिखनी है इक्वेशन, तो एक ई में ये आपका ई नॉट फर्स्ट वाले का, ई और वी में क्या रिलेशन होता है, तो उसका पीक वैल्यू, तो ध्यान दें आप, ये है आपका बी नॉट, तो बी नॉट इंटू सी, इस वाले में बेटा जी बी वन है, ये है बेटा बी वन इंटू सी, बस डायरेक्शन के साथ लिखनी है, तो इसमें बी नॉट सी, ये किस तरफ है, माइनस का जे, ये है बेटा जी माइनस का जे के, और इसमें आप डायरेक्शन क्या लिखने वाले हो, माइनस का आई के, यानी ई जो है, जो ई वन ई टू है दोनों आपस में 90 पर आए, एक माइनस जे में है, एक कैसा प्लस माइनस आई में है, दोनों 90 पे हो गए ना, क्लियर है। अब जेड इक्वल टू जीरो पे और टी जीरो पर आप हैं, तो कोस का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो ये आप यहां से हटा दो, तो ई वन ई टू आपको पीक वैल्यू के साथ में मिल गए। आपसे पूछा है कि किसी स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स कितना है, तो एफ नेट है वो एफ वन प्लस एफ टू वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई वन क्यू ई टू, आ जाओ स्टार्ट कर दो काम को। तो बेटे जी यहां पर t इक्वल टू जीरो पर और जेड इक्वल टू जीरो पे आपसे फोर्स पूछा गया है, तो कोस जीरो हो चुका ना, उसका मान हो गया 1, तो अब इतना वैल्यू यहां बचा, तो देखो q इंटू ई वन, ई वन का वैल्यू आपसे रहा b नॉट c माइनस का j के, प्लस q इंटू बेटा जी b1 इंटू c, b1 इंटू c, और ये है माइनस का i के, क्लियर। तो अब हमें यहां पर जो इसका पीक वैल्यू मिला, एफ नेट जो आपको दिख रहा है, इस फोर्स का अगर मैं पीक वैल्यू निकालता हूं, तो वो तो इससे क्या जाएगा, दोनों 90 पे हैं, तो अपन इसका स्क्वायर करके सम कर दें, तो बेटा जी इससे एफ नेट और वो भी कौन सा पीक वैल्यू, वो आपको मिला, क्यू और सी दोनों में कॉमन है, तो इसको तो स्क्वायर करके कॉमन भी लेंगे, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अपन सम करेंगे बेटे, तो क्यू सी कॉमन आ गया, तो उसका तो स्क्वायर आप पहले से हटा दो, तो अंदर अब शेष क्या रहा, वो रहा बेटा जी बी नॉट का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर का रूट। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो q कितना है, तो q इसमें आप देखें ये है बेटे जी 10 टू पावर माइनस का 4, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये है 3 इंटू 10 टू पावर 8। अब b नोट का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, b नोट का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर, b नोट है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5, तो इसका आप कर लें स्क्वायर 3 का, तो देखें भाई 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 इंटू 10 टू पावर, पावर थी माइनस का 5, इसका स्क्वायर तो 10 प्लस, फिर b1 का स्क्वायर, b1 देखें आप चेक कर लें, b1 है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6, उसका करो स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 से हो गया आपका 12। अब देखो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये तो बहुत कम है, ये कैसा, ज्यादा अप्रोक्स निकालने के लिए आप इसको तो भूल जाओ चाहे, और इसका कर लो आप रूट, तो इसका आप रूट करेंगे तो देखिए आप 10 की पावर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू, ये हो गया आपका 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5। अब इससे सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने में देखो माइनस का 4 माइनस का 5 तो 10 की पावर माइनस का 9 हो गई, ये है कितना 8, 3 इंटू 3 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 1, तो अप्रोक्स इसका वैल्यू आपको मिला 0.9, पर 0.9 जो न्यूटन फोर्स है वो तो कौन सा पीक वैल्यू है, आपसे पूछा कौन सा है आरएमएस, तो आप जानते हैं आरएमएस, मैं लिखूं एफ आरएमएस, ये हुआ आपका एफ नॉट बाई रूट टू, और 1/√2 होता है 0.707 इंटू, ये रहा आपका 0.9,
अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 के आसपास, बैक चलें अपन, 0.6 के आसपास इसका आंसर है वो बन सकता है, 0.6 के आसपास देखें, 0.6 न्यूटन के आसपास इसका जो RMS है वैल्यू बन जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पूरा कन्वर्जन करने के बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे अपन। अब क्वेश्चन देखो 12, ये क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये अपने को ई दे रखा है। ठीक है, द कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बी इज देन गिवन बाय, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बी किस तरह से है। अब देखो यहां ई कौन सा कोस, के जेड कोस ओमेगा टी के फॉर्म में है, जो फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं उसका एक कॉम्प्लेक्स रूप है। इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीका यह होता है कि जो EMW वेव होती है बेटा जी, उन सब के लिए क्या होता है कि डेल ई बाई, अब ये किस फॉर्म में है, जेड के फंक्शन में है, डेल ई बाई डेल जेड इज इक्वल टू वो ये होता है माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल टी। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यदि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपन जो पोजिशन वेक्टर है उसके साथ कर दें डिफरेंशिएशन, ये कैसा पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यानी E का इस इक्वेशन में जेड के साथ कर दो डिफरेंशिएशन और B का आप कर दो T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। आप चेक करो, देखो हमारे पास यहाँ E भी है और ऑप्शन में B है, इसको अपन हीट एंड ट्रायल ही मेथड से करेंगे तभी ये फास्ट आपका होगा। तो दोनों में बिल्कुल इजिली है, यहाँ हमारे पास पर ध्यान देना जब जेड के सापेक्ष करो तो T हमारे लिए कैसा है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ T के सापेक्ष करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पर कैसा आपका जेड है वो कॉन्स्टेंट है। E का पहले कर दो जड़ के सापेक्ष, बी हमारे पास ऑप्शन है उनका टी के सापेक्ष कर दो, बिल्कुल आपका आंसर है वो मैच करेगा। आप खुद इसको कर लें, आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, समय इसका बताते हैं अपन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, देखें 13 क्वेश्चन आपका है, वो कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट एन के साइन ओमेगा टी प्लस 6y माइनस एट जेड टेकिंग यूनिट वेक्टर एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन टू बी दिस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज, यानी आपको इसमें वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन निकालनी है। इसको अपन पहले भी बता चुके हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो होती है एस केप वो है किस तरफ, माइनस का के केप में है, तो आपको माइनस के केप यानी के आपको निकालना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में देखो आप ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये जो ओमेगा टी प्लस है किसी इंस्टेंट टी पर है, यहाँ जो ये वाला पार्ट है ये पार्ट ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखें इसमें हमारे पास ये है E इज इक्वल टू ई नॉट एन केप, पेन चेंज कर लेता हूं, ई नॉट एन केप और ये बेटा जी साइन ओमेगा टी प्लस याद करो के डॉट आर। और इसको फिर अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप, देखो इसको लिखते हो 6j केप माइनस एट के केप डॉट वाई जे केप और माइनस जेड के केप, इस रूप में आप इसको लिख सकते हो। अब इसे अपन कंपेयर करेंगे तो ध्यान दें आप, मेरे पास के वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया 6j केप माइनस एट के केप, तो कंपेरिजन करते ही प्यारे बच्चों के वेक्टर का वैल्यू हमें मिला ये है 6j केप माइनस एट के केप, पर ये डायरेक्शन नहीं है। चलो इससे पहले अपन निकाल लें के केप का वैल्यू, तो के केप होता है क्या, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो वो है आपका 6j केप माइनस बच्चों एट के केप अपॉन इसका मोड, 6 का 36 64 कितना 100 का रूट कितना 10, ये हो गया आपका के केप। क्लियर, अब के केप हमें ये मिल चुका है तो अपन जानते हैं बेटे जी हमें निकालना था इसमें एस केप, एस केप है क्या माइनस का के केप, जस्ट उसको नेगेटिव में करना है, नेगेटिव में कर देंगे तो के तो आपका हो चुका है प्लस और जे हो चुका बेटे जी माइनस। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है 13 में, ओनली थर्ड ऑप्शन देखें, इस थर्ड वाले में थोड़ा सा करेक्शन कर लें, माइनस का 3j प्लस 4k, और देखो इसमें से अगर दो अपन कॉमन ले लेंगे, दो के कॉमन लेते हैं यहां से ये कट जाएगा ना तो 5 बन जाएगा, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट इसी को आप यूज करते हुए आप इसका आंसर निकाल सकते हो, पर इसमें थोड़ा सा करेक्शन है ध्यान देना, ये माइनस का 3j प्लस 4k अपॉन 5 ये इसका थर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटे,
तो वही प्रोसेस थी। और ये आप ध्यान कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ जो वेव है वो अपन निकालना चाहें वो हमेशा कैसा, माइनस के केप के ठीक अब अलोंग होगा एंड के केप के अपोजिट होगा, एंटी पैरेलल होगा। तो के पहले निकाल लो, उसके बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखें 14 का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग ए फ्रीक्वेंसी 23.9 गीगाहर्ट्ज प्रोपेगेट्स अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन इन फ्री स्पेस। द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 वोल्ट पर मीटर। तो पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको दे रखा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टेबल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें अपने को जो बी है उसका इक्वेशन है वो बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने को दे रखा है पीक वैल्यू 60 वोल्ट पर मीटर। अच्छा जी, कोई बात नहीं है, देखो तो ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग ए फ्रीक्वेंसी दिस प्रोपेगेट्स अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, कौन सा, ई। तो आप जानते हो ई बी और सी, इसको तो हमेशा अपन काम में लेते ही हैं और जो गिवन है उसको अच्छे से साथ साथ आप लिखते चलें। सबसे पहले देखो प्रोपेगेशन अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट्स अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, यानी सी जो बेटा है ना वो तो आपको मिल चुका है प्लस के केप में। द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 वोल्ट पर मीटर विच अलोंग अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टेबल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो वैल्यू आपको मिला वो एक डायरेक्शन आपको मिल चुकी है। तो पहले अपन एक काम करें कि जो इसमें बी नोट है वो निकाल ले। पहले देखो बी नोट का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, बी नोट होता है ई बाई सी, तो ई का वैल्यू आपको दे रखा है 60 और सी कितना है बेटे 3 × 10 की पावर 8। तो इसको उड़ाओ साहब, ये हुआ 20, ये पावर चली आपकी माइनस की 8, एक पावर कम कर दो तो 2 × 10 की पावर -7। ये कौन से वाले में है, ये सिर्फ एक ही में है, इसका तो आंसर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो बेटे अगला अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखें आप इसमें, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस देन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पूछा एक्सप्रेशन, तो इस इक्वेशन से पहले पता करो बी के बारे में। तो पहले तो आपको देखो मेन काम तो वही करना है, ई केप बी केप और सी केप, इन सब की अपने को डायरेक्शंस है वो निकाल लेनी चाहिए। देखो यहाँ बी किस तरफ है, बी है बेटे जी प्लस जे में, तो बी की डायरेक्शन तो आपको मिल गई प्लस जे। दूसरा देखो ये है आपका के एक्स प्लस ओमेगा टी, प्लस है इसका मतलब माइनस आई, तो सी का डायरेक्शन आपको मिल गया माइनस का आई केप में। और ई अपने को मालूम करना है, ई की डायरेक्शन क्या है वो हमें मालूम नहीं है, तो अब यहीं से पता कर लो। देखो ई कितना होगा, जे क्रॉस माइनस आई। अब देखो जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस का के होता है, तो जे क्रॉस आई माइनस का के है, तो जे क्रॉस माइनस आई क्या होता है, प्लस का के। तो ई की डायरेक्शन आपको मिल गई प्लस का के, बस। उसके बाद एक काम और कर लो फैलिस दाई, कि हमारे पास बी है तो ई का जो वैल्यू है वो कितना होगा, ई होगा आपका बी इंटू सी, तो बी है 3 × 10⁻⁸ और इसको अपन इंटू करते हैं किससे, 3 × 10⁻⁸ से, 8 तो कैंसिल 9 आ गया, तो बी हमारे पास है 9 वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन मैच कर लो पहले दो कि 9 किस में, 9 एक में ही है बेटा, तो 9 एक में ही है, तो आपका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, 4th। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय इज इक्वल टू ई नॉट आई प्लस जे रूट 2 cos k z plus omega t at t is equal to 0 a positively charged particle is at the point x y z जहां पे x 0 है y 0 है और z कितना है pi by k if its instantaneous velocity at t equal to 0 is v naught k
द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द वेव इज. यहां पार्टिकल कैसा मोशन में है, मूविंग कंडीशन में है. अब मूविंग कंडीशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप जानते हैं इसमें ई के साथ कौन सा बी भी है, दोनों फील्ड है. अब दोनों फील्ड हैं तो दोनों प्रकार के फोर्स ही यहाँ पर एक्सपीरियंस किए जाएंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स प्रोड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स प्रोड करेगा. तो यहाँ पे तो सारे फोर्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे. और इससे पहले एक क्वेश्चन अपन ने 11th वाला डिस्कस किया था, उस वाले क्वेश्चन में ओनली स्टेशनरी पार्टिकल था तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स अपन ने कैलकुलेट किया था, मैग्नेटिक वाला आपने नहीं किया था. अब सुनो, यहाँ आपको दे रखा है ई, तो ई से पहले आपको बी बनाना पड़ेगा और बी वाला भी फोर्स आपको कैलकुलेट करना है और ई वाला भी करना है. ठीक है, करते हैं कैलकुलेशन. इसके लिए पेज खाली कर लें अपन. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें बेटे अपन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी. यहाँ पर भी ई से बी और वो सारा कन्वर्जन के साथ फिर फोर्स आपको पूछा जा रहा है. आपको ई दे रखा है, फिर क्या कर रखा है, टी इज इक्वल टू जीरो पर और एक्स जीरो वाई जीरो और पाई बाई के, इस पोजिशन पे इस पॉइंट पर आपको ये सारा पूछा जा रहा है. तो इस पे पहले अपन ई निकाल लेंगे, ई कितना है. तो E को तो पहले देखो आप, T कितना बेटा जी, जीरो है. तो T को अगर मैं यहाँ जीरो पुट कर दूँ, यहाँ T को आपने जीरो किया तो ओमेगा इंटू टी जीरो. जेड आपको देखो क्या दे रखा है, पाई बाई के, के से के कैंसिल तो पाई आ गया ना, कोस पाई, कोस 180 होता है माइनस का 1. इसका मतलब इस इंस्टेंट पर जो आपको E मिलने जा रहा है वो हो गया, माइनस में ले लेता हूँ पीछे, तो माइनस का ई नॉट और आई के प्लस जे के बाई रूट टू. ये हमें इसका मिल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड. इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, आई प्लस जे अपॉन रूट टू का नेगेटिव. तो इसको अपन कैसे तो बनाते हैं वो पहले चेक कर लो, उसके बाद हमको यहाँ पर ई से बी भी निकालना है. तो ई से बी निकालना है तो पहले ये चेक करो कि ई की डायरेक्शन खुद ही कैसी आई, माइनस दिस. अच्छा जी, अब 1/√2 है ना बेटा, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो ये दोनों प्लस के हों तो इस तरफ आए, जस्ट इसके 45 डिग्री एंगल पर इस तरफ तो कौन सा होता है जानते हो आप, यानी इसको एक्स मान लूँ, इसको वाई मान लूँ, जेड को मैं ऊपर नीचे मान लूँ यहाँ पर, तो अगर ये एंगल 45 डिग्री का हो 45 का, उस कंडीशन में ये डायरेक्शन कौन सी होती है, आई प्लस जे अपॉन रूट टू. इसके ठीक रिवर्स में इस तरफ ये जो डायरेक्शन है बेटा वो कौन सी है, यह है माइनस का आई प्लस जे बाई रूट टू की डायरेक्शन है. और वैसे इसको अपन डायरेक्शन को किस से लिख रहे हैं, ये डायरेक्शन है ई केप का. क्लियर, ई केप आपको मिल गया. अब आप देखिए, जहां ई तो आपने फाइंड कर लिया, अब आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ई एम डब्ल्यू, वो किस तरफ है, के जेड प्लस ओमेगा टी है. इसका मतलब जेड वो प्लस के साथ में है तो माइनस का के, तो माइनस का के है तो बेटा इसको मैं ऐसे कर दूं, माइनस का के तो डाउनवर्ड है क्रॉस के रूप में, नीचे की तरफ है इसमें, ये है आपका सी केप. अब सी नीचे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. जहां पर बी आपको फाइंड करना है तो सी क्रॉस ई, ध्यान देना बी का वैल्यू किसके बराबर है, यहां सी क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी केप. तो सी को आप ई की तरफ रोटेट करें, सी यहां पर है नीचे, सी नीचे है, ये फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड, इसको अपन ऐसे रोटेट करवाएंगे. तो इसको ऐसे रोटेट करवाने पर ध्यान दें आप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस तरफ आया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. सी यहां पर है बेटा नीचे, तो सी को आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी यहां पर था डाउनवर्ड और ई है इस तरफ, तो इसको सेकंड की तरफ आप रोटेट करोगे तो हमारे पास इसका सीधा सीधा जो डायरेक्शन है वो मिलना शुरू हो रहा है. आप इस डायरेक्शन निकाल सकते हो ना, बोलो. हमने यहाँ पर टी जीरो पर ये सारा वैल्यू फाइंड कर लिया, जिस जो फोर्स में आपको काम में लेना है. दूसरी बात, अब आपको इसमें ई से बनाना है बी, ई से बी बनाना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है. तो ई से बी बनाने के लिए मैंने आपसे बोला था अभी कि ई में आप देखो, ई टी जीरो पे तो किस तरफ है, इसके अकॉर्डिंग है, पर किसी इंस्टेंट पे आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग तो ई आपका है आई प्लस जे अपॉन रूट टू. आई प्लस जे मतलब इस तरफ आपका ई है, किसी इंस्टेंट पर इंस्टेनियस ई टी वाला वो इस तरफ है. और इसका सी कैसा है, डाउनवर्ड. क्लियर, अब इसका सी डाउनवर्ड है और ई इस तरफ है, तो आप इसमें सी क्रॉस ई, ध्यान दें सी फर्स्ट वेक्टर ये है और ई इसको अपन ऐसे घुमाएंगे
इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस तरफ आया, इस तरफ आया। ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट, और ये यहां पर किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, बी की डायरेक्शन को। अब बी किस तरफ है वो भी ठीक इसके मिड में ही होगा, तो यहां पे ये तो आपका आई है माइनस का जे, तो इसको अपन लिखना चाहें तो डायरेक्शन कैसी, आई जे है माइनस का अपॉन रूट टू, आई माइनस जे अपॉन रूट टू, ये इसका बी का डायरेक्शन आ गया अभी, क्लियर। अब बी का डायरेक्शन आपको मिल चुका है तो ई से आपको बी बनाना है, तो बी में इसका ये तो आपका पीक वैल्यू ई नॉट अपॉन सी बदलना आपको आता है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। और जो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना है तो जो आपका फेज है वो तो सेम आप यही लिख सकते हो इसमें, कोस के जेड प्लस ओमेगा टी। बस अब अपन ई भी हमारे पास है, बी भी हमारे पास है, तो फोर्स आपको निकालना है, तो फोर्स एफ नेट आपको निकालना है। यहां पर चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, और कौन सा ये एफ वन कौन सा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एफ टू ड्यू टू आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा क्यू ई और कौन सा क्यू बी क्रॉस बी, ये फोर्स आपके बनते हैं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको और कब पूछा है टी इक्वल टू जीरो पर, क्लियर। तो आ जाओ भाई क्यू इंटू ई, ई का वैल्यू अपन ने फाइंड कर रखा है गिवन कंडीशन में, बी का वैल्यू अपन फाइंड करेंगे, तो वापस यहां पर ये सब वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला भी आपका माइनस वन आ जाएगा, इसको भी आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर। तो ऐसा करने के पश्चात हमारे पास देखो q इंटू ये वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल माइनस में दे रखा है वो एज पर्सन। अब ये आपको मिल चुका है यहां पर इसका v, और b अपन ने लिख दिया बेटा। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो सिंपल सा आपको यहां से मिल रहा है, यहां माइनस है ये क्यू ई नॉट, तो क्यू ई नॉट मैंने बाहर ले लिया, माइनस को मैंने लिखा इसके डायरेक्शन के साथ, इसमें चेक कर लो, यहाँ C माइनस का है के के की तरफ, ये E नोट बाई C, ध्यान दें आप C से C कैंसिल हो गया तो ओनली Q E नोट यहाँ से बाहर आएगा, उसके बाद ये माइनस का K और ये आपका I माइनस जे अपॉन रूट टू, आई माइनस जे अपॉन रूट टू तो इस तरफ है, और माइनस का K के आपका डाउनवर्ड है, उसका अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ये बेटा जी आ जाएगा माइनस का I प्लस जे अपॉन रूट टू, क्लियर। अब देखो दोनों माइनस के हैं, आप इसमें कॉमन ले सकते हो, तो क्यों आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के पश्चात जो डायरेक्शंस के नेट आ रही है वो किस तरफ है, माइनस का आई क्रॉस जे अपॉन रूट टू है, तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे फोर्स किस तरफ है, ये है आई क्रॉस जे अपॉन रूट टू के ठीक एंटी पैरेलल है, समझ रहे, पैरेलल नहीं है उसके ठीक एंटी पैरेलल, इसलिए इसका जो आंसर अपन चेक करेंगे तो देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है, आंसर इसका है थर्ड एंटी पैरेलल टू आई प्लस जे अपॉन रूट टू, इसलिए इसका आंसर आपका थर्ड है वो बिल्कुल जाएगा, इसको आप टिक कर सकते हो, ठीक है बेटे। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 गीगाहर्ट्ज इज प्रोपेगेटिंग इन वैक्यूम अलोंग द जेड डायरेक्शन, तो वापस मेन काम तो वही आपका, देखो ई केप बी केप सी केप, मेन काम देखो इन सारे क्वेश्चन का है यही, जिसमें प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम अलोंग द जेड डायरेक्शन, तो सी आपको मिल चुका है, सी की वैल्यू देखो हो गया प्लस जेड डायरेक्शन, ये तो हो गया के केप में, मालूम हो गया। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, और बी किस तरफ है, जे में, बी बेटा जी हो गया जे केप में, क्लियर। अब ई तो रहा ना अननोन, तो ई जब अननोन है तो ई के बारे में काम कर लो, मालूम भी है B क्रॉस C कितना है आपका E है, तो ध्यान दो भाई J क्रॉस K क्या होता है, I होता है, ये लो I आंसर आ गया इसका, तो E है किस तरफ, E किस तरफ है, वो X अक्ष के अलोंग है, प्लस X अक्ष के अलोंग, तो प्लस X में तो ओनली आंसर ही एक ही है, देखो अच्छा पहले इसका अपन E भी तो निकाल लेते ना, तो E का वैल्यू कितना होगा, वो है बेटा जी B इंटू सी, बी था कितना, बी की वैल्यू चेक करो, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8 इंटू सी, सी है 3 इंटू 10 टू पावर 8, पावर 8 प्लस की माइनस से कैंसिल हो जाएगी, 5 इंटू 3 कितना आ गया, 15 वोल्ट पर मीटर आई केप की डायरेक्शन में, तो इसका आंसर भी देखो फर्स्ट इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो बेटे जी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द डायरेक्शन दिस, तो ये आपको दे रखा है बेटा जी सी केप की डायरेक्शन विद इट्स पोलराइजेशन अलोंग द डायरेक्शन के केप, यानी इसका ध्रुवण किस तरफ है,
प्लस के केप में, और ध्रुवण यानी पोलराइजेशन किसका अपन करते हैं, ई वेक्टर का। इसका मतलब हुआ कि ई की डायरेक्शन आपको दी जा रही है किस तरफ, के केप की तरफ, दोनों आपको मिल चुके हैं। अब बी की डायरेक्शन आपको पूछी है, उसी रूप में इक्वेशन है, और इक्वेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ बी के डायरेक्शन ही इसमें महत्वपूर्ण है, वो आपको फाइंड करना है। उसके लिए हम बार बार आपको बता चुके हैं कि ई बी और सी इनका आपस में डायरेक्शन के रिगार्डिंग रिलेशन क्या है, वो आपको मैं बता चुका पहले भी, आपको इसमें फाइंड करना है बी। इसका मतलब सी क्रॉस ई इज इक्वल टू बी, सी क्रॉस ई इज इक्वल टू बी, क्लियर। इससे आपको निकालनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन अब किस रूप में, इस रूप में है, तो आप इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग चल सकते हो, जिसमें सबसे पहले देखो आप कि ई किस तरफ है, के केप में, तो डॉट के रूप में, येलो साहब ऊपर की तरफ है, ये है किसको शो कर रहा है, ई को, ये ई का डायरेक्शन है पर ऊपर की तरफ है। सेकंड थिंग, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वो है सी, प्लस में है आई प्लस जे, दोनों इक्वल हैं, तो ठीक इसके मिडल में, जस्ट इसके मिडल में बेटा जी, इस तरफ ये है सी का डायरेक्शन। अब आपको करना है सी क्रॉस ई, राइट हैंड थंब रूल से आप अगर आप सी क्रॉस ई करते हो तो सी इस तरफ है और ये सेकंड वेक्टर ऊपर है, तो इसको अपन घुमाएं सी क्रॉस ई, तो सी क्रॉस ई करने पे जस्ट इसके मिडल में, आप ध्यान दें इसमें कि जस्ट इसके मिडल में इस तरफ ये हो चुका है बी के। अब इस तरफ डायरेक्शन कौन से, देखो आपको इसको बदलना हो डायरेक्शन में, अब चूंकि 90 पे, ये पूरा एंगल 90 का है, ये एंगल कितना 45, ये पूरा 90 तो 45 पे हो गया, आपको इसकी डायरेक्शन बनानी है और उसको वेक्टर के रूप में लिखना है, तो आप इसको एज्यूम कर लो यहां पर 1, यदि इसको 1 मान लूं और एंगल कितना आपका 45 डिग्री है, तो 1 cos 45, 1 sin 45, तो आई तो इसका प्लस, जे इसका माइनस, तो कुल मिलाकर के इसकी डायरेक्शन जो आ रही है ना, वो किस तरफ आ रही है, आई माइनस का जे बाई रूट टू, बस ये जिसमें है वो आपका सही आंसर है, वो चेक कर लो, आई माइनस जे बाई रूट टू, किसकी डायरेक्शन, बी की, आई माइनस जे बाई रूट टू। देखो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ऐसा है, बाकी किसी में ही नहीं है, इसलिए इसका राइट और अच्छा जो आंसर है वो आप टिक कर सकते हो, वो है बेटा जी सेकंड आंसर। ओके ठीक है, बढ़े आगे। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन है, ए लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इफ 4% ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज 30 वोल्ट पर मीटर, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द वेव प्रोपेगेटिंग इन द ग्लास मीडियम विल बी। तो क्वेश्चन देखो ऐसा है कि ये मान लो कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसपे कोई आप लाइट वेव या EMW है वो कर रहे हो इंसिडेंट, अच्छा उसके बाद इसका कुछ पार्ट हो रहा है रिफ्लेक्टेड और कुछ पार्ट बेटा जी इसमें हो रहा है कौन सा, रिफ्रैक्टेड, यानी यहाँ परावर्तन भी है और कौन सा अपवर्तन भी है। यहाँ मान लो इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4% हो रहा है इसमें रिफ्लेक्टेड, तो जो इस मीडियम में इंटर कर रहा है वो कितना है 96%, तो जो 96% है वो कौन सा, रिफ्लेक्टेड है ना, तो उसको अपन यहां लिख लें कि आई रिफ्रैक्टेड वो है बेटा जी 96% या 96/100, यानी कर दूं 0.96 आई नॉट। अब ये आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है, ये मीडियम के अंदर है या फ्री स्पेस में है, इसकी वैल्यू पुट करता हूं मीडियम के लिए, और वो भी किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, तो आप जानते हो इंटेंसिटी होती कितनी, हाफ एप्सिलॉन मीडियम में है इंटू वी, वही पहले वाला अपन ने काम में लिया, ये बेटा जी है 0.96 इंटू दिस, ये हो गया आपका हाफ, वापिस क्या है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। ठीक है बेटे, अब इसको अपन करते हैं अपने लाइक, हाफ से हाफ यहां कर दो कैंसिल, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है या हमें इसे फाइंड करना है, ई फाइंड करना है, तो अगर ई मुझे फाइंड करना, तो ई की वैल्यू देखो मैं यहां से लिखता हूं, तो ई स्क्वायर है, तो अभी ई नोट का स्क्वायर ये हो गया, इसका मैं रूट सॉल्व करता हूं, ई नोट निकालू यहां से बाहर, बाकी सब रूट में आएंगे, तो यहां हमारे पास रिमेनिंग क्या है 0.96 इंटू बेटा जी, यहां है आपका एक और एप्सिलॉन नॉट और इंटू सी अपॉन, इस तरफ रिमेनिंग पार्ट कौन सा था आपका एप्सिलॉन नॉट, यह एप्सिलॉन
इसको मैं लिखता हूं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू बेटे जी वी। क्लियर? अब सुनो, अब इसको यहां से सॉल्व करना है तो एप्सिलॉन नॉट से इसको मैं यहां कर दूं कैंसिल। आप ये जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है जिसको अपन स्मॉल एन लिखते हैं वो है रूट ऑफ एप्सिलॉन आर इनटू म्यू आर। और ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए हमने कहा था कि म्यू आर है वो अप्रोक्स कितना आपका 1, इसलिए एप्सिलॉन आर जो है उसकी इसको स्क्वायर करता हूं तो आप देखें एन स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर के स्थान पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर भी पुट कर सकते हो। तो इसके स्थान पे आप क्या लिख दो, बोलो बोलो, ये हो गया आपका एन स्क्वायर। अच्छा, सी अपॉन वी क्या होता है एन, तो ये हो चुका है आपका, देखो ये तो हो चुका एन, ये है एन स्क्वायर, यहां से उड़ाओ तो ये आपका एन नीचे रह गया। क्लियर? तो हमारे पास अब वैल्यू रही क्या, ये रही ई बराबर ई इज इक्वल टू ई नॉट इन टू ये रहा आपका 0.96 अपॉन, बाकी सब यहां खत्म हो चुके, बचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा जी है कितना, वो है 1.5। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो तो ई नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ई नोट की वैल्यू मेरे पास थी 30, वो आपको दे रखिए वोल्ट पर मीटर, देखें आप 30 वोल्ट पर मीटर। ठीक है साहब, 96 को चाहें तो अपन 96 अपॉन कर दें 100 इनटू कर दो बेटा जी 1/1.5, चलेगा? चलो इसको उड़ा दो एक बार यहां से, तो ये हो गया 960/15, ये इससे कर दो कैंसिल। यदि मैं इसको उड़ाता हूं यहां से 3 से कर दो डिवाइड, तो 3 से इसको अपन डिवाइड करते हैं तो ये तो हो गया आपका 5, और इसको अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया आपका 32, यहां आ गया आपका 32। फिर देखो अगर मैं इसमें यहां है 10, इसको कर दो 16, ये उड़ा यहां से कितना 5। अब रूट के अंदर कितना है 16/5 × 5, रूट ऑफ 16 कितना 4, इसका हो गया 5। तो हमारे पास जो वैल्यू अब आ रही है वो देखो 30 × 4/5, 5 से छुड़ाओ कितना 6 × 4 = 24 वोल्ट पर मीटर। ये है अब इसका मीडियम के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है बेटे, तो इस तरह से अपन यहां 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चन 21 पर, आ जाओ साहब। अब ये क्वेश्चन है द क्रिटिकल एंगल फॉर ऑफ ए मीडियम फॉर ए स्पेसिफिक वेवलेंथ इफ द मीडियम हैज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस एंड रिलेटिव परमेबिलिटी 4/3 फॉर दिस वेवलेंथ विल बी। तो क्रिटिकल एंगल आपको इसमें पूछा गया, क्रिटिकल एंगल आप जानते हो क्रिटिकल एंगल साइन आई सी, साइन आई सी इक्वल टू होता है 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से है कितना, अभी अपन पढ़ के आए हैं वो है बेटा जी म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। म्यू आर हमारे पास कितना है, ये 3 और 4/3 है, तो 3 × 4/3 ये इससे उठा दो, रूट ऑफ 4 कितना 2, तो 1/2। जब साइन आई सी 1/2 है तो बेटा आई सी कितना हो गया 30 डिग्री आ गया, तो इसका आंसर क्या है 30 डिग्री। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन देखें आप, यह है इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट ए वेवलेंथ एट 100 नैनोमीटर ओनली 1% ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी इस पे ऑपरेट कर रहा है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, ओनली 1% ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल एज सिग्नल बैंडविड्थ। तो सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो क्या है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी का ओनली 1% है। द नंबर ऑफ चैनल अकोमोडेटेड फॉर ट्रांसमिटिंग टीवी सिग्नल्स ऑफ बैंडविड्थ 6 MHz, एक जो सिग्नल एक बैंड है उसकी बैंडविड्थ कितनी है 6 MHz है। टेक वेलोसिटी ऑफ लाइट सी दिस, तो हमें इसमें कितने चैनल यहां से पास होते हैं उनकी नंबर है वो फाइंड करनी है। तो देखें भाई यहां जो नंबर ऑफ चैनल्स आपको फाइंड करने हैं, तो पहली बात तो कितनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, वो है सोर्स की फ्रीक्वेंसी का 1%। तो 1% यानी 1/100 कर दूं 100, पर किसका, सोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास तो वहां सोर्स के लिए ओनली वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर, तो आप जानते हो वी इज इक्वल टू कौन सा एन लेमडा, और इसको लाइट के लिए अपन लेते हैं सी इज इक्वल टू कौन सा बेटा जी म्यू इंटू लेमडा। तो इससे अपन निकालते हैं म्यू तो कितना सी अपॉन लेमडा, तो सी अपॉन लेमडा सी हमारे पास है 3 × 10^8 अपॉन लेमडा, लेमडा हमारे पास है 800 नैनोमीटर,
यानी इसमें कर दूं यहां पे एट 00 इंटू 10^-9। क्लियर। अब इसमें इतनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल थी और एक जो यहां हमारे पास टीवी सिग्नल है उसके लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो है 6 मेगाहर्ट्ज, 6 × 10^6। तो कितना हमारे पास स्पेक्ट्रम के लिए फ्रीक्वेंसी अवेलेबल था और एक चैनल के लिए कितनी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, उससे आप इसको डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ चैनल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। और अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो तो सॉल्व, ये मैथमेटिक्स है, आराम से चेक कर लो आप। देखो भाई, तो देखो वैसे 3 upon 8 into 6, तो इससे उड़ा दो इसको 3 को, 2 at 16, 1 upon 16, 6.25 एक में ही है। देखो 6.25 एक ही ऑप्शन में है। 1 upon, आप देखो 1 upon e अपन याद रखते हैं, 1 upon e कितना होता है, 1 upon e होता है 6.25 × 10^18, वो डाटा में से याद रखना चाहिए। और उसमें यह काम आ रहा, देखो डायरेक्ट इसका यूज हो रहा है, तो बिल्कुल आप इसको और भी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। ठीक है बेटे, बढ़े आगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 को अपन देखें। इसमें पूछा, ए टीवी ट्रांसमिशन टावर हैज ए हाइट ऑफ 140 मीटर ट्रांसमिशन टावर एंड हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज दिस। तो दोनों है यहाँ पे हमारे पास, ट्रांसमिटिंग एंटीना भी है, रिसीविंग एंटीना ही भी है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच सिग्नल्स कैन बी ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम दिस टावर इन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में टोटल जो इसकी रेंज होती है वो है कि डी ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस कौन सा डी आपका रिसीविंग एंटीना। तो इसका वैल्यू कितना होता है, √2RHT + √2RH receiving antenna। और ये सब वैल्यू आपको दे रखी है, बिल्कुल इसको खुद ही कैलकुलेट कर लेना, आराम से इसका आंसर है वो 65 किलोमीटर आ जाएगा। इसके लिए समय आप खराब ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं 24 देखें। यहां पर क्वेश्चन है, द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AM रेडियो स्टेशन इज 250 किलो हर्ट्ज। मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी इज 250 किलो हर्ट्ज, यानी FM इसकी वैल्यू आपको दे दी है 250 किलो हर्ट्ज, विच इज 10% ऑफ द कैरियर वेव। 10% 10/100 यानी 1/10 ऑफ FC। तो 1/10 तो ये बेटा जी हमारे पास वैल्यू आया 1/10 FC। तो इससे हम लोग FC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और FC हमारे पास आ चुका है 250 × 10 यानी 2500 किलो हर्ट्ज। ये है कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमारे पास इसमें FM भी आ चुका है और हमारे पास इसकी FC वैल्यू भी आ चुकी है। अब पूछा, इफ अनदर AM स्टेशन अप्रोचेस You for license, what broadcast frequency will you allow? तो दूसरी, अगर हमें यहां पर कोई AM स्टेशन अप्लाई करना हो तो उसको अपन कितनी फ्रीक्वेंसी वो दे सकते हैं। तो इसके लिए देखो, आपने जो AM पढ़ा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था, तो उसमें जो इसका स्पेक्ट्रम आता है तो उस स्पेक्ट्रम के बीच की जो डिस्टेंस या फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, वो होती है 2 FM। ये दोनों जो वेव, यहां दो स्टेशन है, इन स्टेशन की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना ये है, तो हमारे पास दो है, एक हायर फ्रीक्वेंसी एक लो फ्रीक्वेंसी है। तो F, चलो इसको मैं ऐसे कर दूं, F हायर माइनस कौन सा F लोअर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 FM। ध्यान दे बच्चों, FM हमारे पास क्या था, FM अपन ने लिखा था 250 किलो हर्ट्ज, तो 2 FM कितना 500 किलो हर्ट्ज हो गया, यानी ये जो वैल्यू आपको मिल रही है वो है कितनी 500 किलो हर्ट्ज। क्लियर। अब दो में से एक तो हमें अवेलेबल है, वो कितनी थी, FC 2500 किलो हर्ट्ज है। अब आप चेक करें इसमें, ये मोर माइनस लेस के रूप में आप इसको ट्रीट कर सकते हो, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 500 किलो हर्ट्ज, जिसमें से एक मालूम है वो कितनी है 250 किलो हर्ट्ज, यानी इसको आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास जो अब बैंड अवेलेबल है वो है कितना 2500 + -500 किलो हर्ट्ज। तो या तो कितना 2000 किलो हर्ट्ज या फिर कितना आपका 3000,
ये दो में से कोई आप फ्रीक्वेंसी अलॉट कर सकते हो। तो ध्यान दो भाई, अपने पास इसका आंसर कितना आता है, तो आप माइनस करने पे कितना आ रहा है 2000 और ऐड करने पे कितना आ रहा है 3000, और उसमें से ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, वो है 2000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, समझे ना। तो इस तरह इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े अपन अगले क्वेश्चन में। एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो आप जानते हैं कि जो इसका इक्वेशन होता है उसको मैं लिखूं इसके कंपेयर में, तो देखें VT जिसको अपन कह रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, आयाम मॉड्यूलेट तरंग, जिसकी इक्वेशन है EM इंटू 1+ म्यू, और कोस के फॉर्म में है तो कोस ये है बेटा जी ओमेगा एम इंटू टी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी। ये इसका बेसिक इक्वेशन होता है, जिसमें ओमेगा एम ये है जिस सिग्नल को अपने को करना है मॉड्यूलेटेड, जिसमें इंफॉर्मेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और इसमें किसकी है, ये है कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी। तो आप इससे कंपेयर करके इनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। आपको पूछा है इसमें क्या जा रहा है, पूछा आप जा रहा है द साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, इसका मतलब आपको पूछा है एफ, एक तो लोअर जो है आपके लिए एफ सी माइनस एफ एम, और एफ इसमें जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो है बेटे जी एफ सी प्लस एफ एम। तो इसके लिए आपको एफ सी और एफ एम निकालने पड़ेंगे। तो आप देखें इससे आपको क्या मिलने वाला है, कंपेयर कर लो, इससे क्या मिलने वाला है, इससे आप कंपेयर कर लो। तो ओमेगा एम की वैल्यू हमें मिल रही है, ओमेगा सी की वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो सॉल्व करें अपन। सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं, मान लो है आप एफ सी निकालता हूं, तो एफ सी बेटा कितना हो गया, ये है 5.5 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 2 पाई यानी 6.28। इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेट जो इसका एफ सी आपको मिलने वाला है वो है 87.5 किलो हर्ट्ज। ये आप आराम से फाइंड कर सकते हो, मैथमेटिक्स आप कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद एफ एम निकालनी है, तो फिर अपन इसे कंपेयर करें, तो 2.2 ये है 2.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 6.28। इसको फिर आप सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब 3.5 किलो हर्ट्ज ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इन दोनों को आप प्लस माइनस करके एफ लोअर और एफ हायर है वो फाइंड कर सकते हो, और अप्रोक्सीमेट जो है यदि अपन इसमें 87.5 से इसको माइनस करेंगे तो ये इसकी लोअर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, और इनको प्लस करेंगे तो ये एग्जैक्ट इसका वैल्यू नहीं मिलेगा, अप्रोक्स आप यहाँ सॉल्व करके अपना आंसर वो टिक कर सकते हो। क्लियर, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया बेटे 4th। आगे बढ़े अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है क्वेश्चन 26। इसमें है एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज प्लॉटेड बिटवीन, इस तरह से आपको दे रखा है। क्लियर, अब इससे आपको पूछा क्या जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अबव सिग्नल, तो इसको कौन अच्छे से शो कर रहा है वो आपको बताना है। तो इसके लिए एक तो पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है उसका इंस्टेनियस जो वोल्टेज है उसको अपन लिखते कैसे हैं, उसको लिखते हैं पहले अपन देखो इसको ऐसे, ये होता है बेटा जी ec plus em इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी। यानी इस प्रकार के मॉड्यूलेशन में जो सिग्नल होता है जब उसमें मॉड्यूलेशन के बाद जो नेट सिग्नल बनता है उसमें फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के अकॉर्डिंग होती है, बट जो एम्पलीट्यूड होता है बेटा वो क्या होता है मॉड्यूलेटेड, जिस सिग्नल को आपको मॉड्यूलेट करना है जिसको अपन कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलन संकेत, उसके इंस्टेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका नेट एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता है। क्लियर, तो ये है इंस्टेनियस वैल्यू, इसको अपन लिखते हैं ईसी प्लस ईएम, ये है साइन ओमेगा एम इंटू टी, और फिर आप इसके साथ वापस लिखते हो साइन
ओमेगा सी इंटू टी। अब इसमें वैल्यू आपको ये चाहिए, आपको इसमें ई सी चाहिए, इसमें ई एम चाहिए, ओमेगा एम, ओमेगा सी, ये सब आपको चाहिए, और उसके लिए आपको दे रखा है इसका डायग्राम। क्लियर। अब इसमें देखो आप, यहां ये जो इसकी पीक वैल्यू है ये है ई मैक्सिमम, और ये इसका है मिनिमम वैल्यू, ये इसका ई मिनिमम। तो मॉड्यूलेशन के बाद इसमें ई मैक्सिमम ये आपको मिल रहा है बेटे जी 10 वोल्ट, और ई मिनिमम ये आपको इसे मिल रहा है कितना 8 वोल्ट। क्लियर। अब ये एक्चुअली होते कैसे हैं, ई मैक्सिमम ई मिनिमम होते क्या हैं? तो एक तो ई सी माइनस ई एम, ये होता है इसमें ई मैक्सिमम जो इनकी पीक वैल्यू का डिफरेंस है। दूसरा बेटा जी, और वैसे इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ई मैक्सिमम आपको दे रखा है 10, इसी तरह से सॉरी ई मिनिमम, इसको थोड़ा मैं वापस करूं, देखो ई सी माइनस ई एम ये है ई मिनिमम जो है 8 वोल्ट, ई सी प्लस ई एम ये है ई मैक्सिमम जो है 10 वोल्ट। अब इन दोनों को अपन प्लस करें, जब प्लस करेंगे तो बेटे जी देखो हमें इससे क्या मिलने वाला, प्लस करेंगे तो ये से कैंसिल और 2EC इज इक्वल टू हो गया 18 वोल्ट, और इसी से अपन निकाले तो EC हमारे पास कितना आ रहा है, वो है 9 वोल्ट। क्लियर। तो EC हमें मिल चुका है 9 वोल्ट। अब देखें EC प्लस EM 10 वोल्ट है, तो इससे सीधा अपन निकाल सकते हैं EM, वो हो गया 1 वोल्ट। तो जब इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे तो देखें EC आपको मिल चुका है, इसी है बेटा 9, ई एम कितना 1, 9 और 1, 9 1, यानी थर्ड ऑप्शन तो आपका यहां से कैंसिल हो गया। अब देखो फिर इसका मतलब ये रहा कि अपने को फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो ध्यान दें आप, यहां दो ग्राफ में दे रखी है पल्सेज, एक पल्स ये है, एक पल्स देखो ये वाली है, जिसमें से ये है 100 माइक्रोसेकेंड, ये है 8 माइक्रोसेकेंड। इसका मतलब ये टाइम कैसा है, कम है, ये टाइम कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके लिए शो कर रखी है बेटा जी, एफ सी के लिए, और ये जो है वो किसके लिए शो कर रखा है, एफ एम के लिए। क्लियर। तो ये एक तरह से एक पल्स है उसको कंप्लीट होने का समय है, ये टाइम पीरियड है, पर किसका है वो फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो मैं यहां से फाइंड करता हूं, एक तो एफ एम, एफ एम कितना देखो 1/, मैं छोड़ दूं टी एम, टी एम यहां पर है उसका टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड आपको दे रखा है। क्लियर। तो इससे अपन देखें 1/, ये है वैसे 100 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, तो करीब हो गया 10 की पावर माइनस का 4, तो यहां लिख दूं 10 की पावर माइनस का 4, तो ये तो प्लस का 10 की पावर 4 आ गया हर्ट्ज। आपको लिखना किसमें है, इसको एफ ओमेगा एम में लिखना है, तो ओमेगा एम कितना हो गया 2π, यानी 6.28 इंटू 10 टू पावर 4 हर्ट्ज। तो इसका मतलब ओमेगा एम के स्थान पे क्या होना चाहिए, 2π इंटू 10 टू पावर 4। ये ओमेगा सी वाला, ये तो 2π वाला ठीक है भाई, यहाँ 4π है, ये कैसा गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। तो इसका मतलब आंसर आपका फर्स्ट हो गया, और भी पूरा आपको चेक करना हो तो इससे आप ओमेगा एम भी ओमेगा सी भी निकाल लो, तो कंप्लीट आपका आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इसको इतना चेक कर सकते हो। क्लियर। बढ़ाएंगे क्वेश्चन में, चलो आगे। क्वेश्चन 27, 27 क्वेश्चन है, 800 वोल्ट कैरियर वेव इज मेड टू वेरी बिटवीन 160 वोल्ट एंड 40 वोल्ट बाई ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, आप जानते हो जो म्यू का फॉर्मूला होता है, उस म्यू के फॉर्मूले में ये या तो है कौन सा ई एम बाई ई सी, या इसमें फॉर्मूला आपका है ई एम, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम बाय ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। इस तरह से हमारे पास इसके दो फॉर्मूले हैं, क्या हमारे पास अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। अभी हमारे पास अवेलेबल क्या है कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका वोल्टेज 160 वोल्ट्स और 40 के बीच वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये तो है मिनिमम, ये है मैक्सिमम। क्लियर। तो हम क्या लिखें, देखो 160 माइनस 40 अपॉन 160 प्लस 40 कितना हुआ, 160 में से घटा दो इसको, ये 120।
अपॉन ये हो चुका है बेटे जी 200, उड़ा दो इसको, ये हो गया एक तरह से 6/10 या कितना 0.6। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है वो हमेशा अपन एक से कम ही रखते हैं, ये ध्यान रखना है, एक से अधिक होने पर सुपर मॉड्यूलेशन हो जाता है और उसके बाद जो जिस इंफॉर्मेशन को आप प्रॉपर वे में भेजना चाह रहे होते वो हो जाती है डीनेचर्ड और उसी रूप में फिर वो नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हमेशा इसमें म्यू का जो वैल्यू है वो एक के बराबर भी नहीं रखते हैं, एक से कम ही रखा जाता है। क्लियर? तो इस तरह से इक्वेशन भी आपका हो गया, इसका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। बढ़े आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में क्वेश्चन है कि टू डबल द कवरिंग रेंज ऑफ ए टीवी ट्रांसमिशन टावर इट्स हाइट शुड बी मल्टीप्लाइड, इसकी हाइट को कितना करना पड़ेगा और करना क्या अपने को, इसकी रेंज है उसको डबल करना है, रेंज को डबल करना है। तो आप जानते हैं किसी टावर की जो रेंज है आर इज इक्वल टू होता है बेटा जी, सॉरी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है टू डबल द कवरिंग रेंज ऑफ ए टीवी ट्रांसमिशन टावर इट्स हाइट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यानी इसमें आपको कवरिंग रेंज रेंज जो है उसको डबल करना है और रेंज का फॉर्मूला क्या बटा, रेंज का अपन पढ़ते हैं डी इज इक्वल टू रूट 2RH, जहां पे एच है हाइट ऑफ एंटीना, एंटीना की ऊंचाई, इसका अपन स्क्वायर करें तो ये हुआ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2RH। क्लियर? इससे इससे अपन फाइंड करें H, तो H जो है वो कितना बेटा जी डी स्क्वायर अपॉन 2R और R यहां पे है रेडियस ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है, तो H प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मुझे इस D को डबल करना है तो हाइट कितनी करनी पड़ेगी, D को डबल करना तो हाइट कितनी करनी पड़ेगी, तो इजिली आप वैसे भी दिख रहा है फिर भी देखो इसको अपन लिखें एस डेस अपॉन एस इज इक्वल टू डी डेस अपॉन डी इसका स्क्वायर, डी डेस कितना करना है आपने डबल तो 2D अपॉन डी इसका स्क्वायर, डी से डी कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना बेटा जी 4, ये लो साहब, तो एस डेस अपॉन एस कितना है 4, तो एस डेस इक्वल टू हो गया 4H। तो 4 गुना हमें हाइट बढ़ानी पड़ेगी, 4 गुना 4 टाइम्स। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर। ये क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ द कैरियर वेव इन ए मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क इज क्लोज टू, मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो फ्रीक्वेंसी अपन काम में लेते हैं या जो वेव अपन काम लेते हैं इसको अपन ऐसे कहते हैं, जो वेव अपन इसमें काम में लेते हैं बेटा जी वो होता है इंफ्रारेड वेव, ठीक है, और इस इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अपन पढ़ते हैं वो होता है मोर देन विजिबल का जो लास्ट है, यानी 8000 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा है, या इसको अपन ऐसे कहते हैं 800 नैनोमीटर से भी ज्यादा। ये तो एक इसका क्राइटेरिया है। अब एक इसकी जो ऑप्टिमम जिसके अबाउट अपन इसमें यूज करते हैं वो करीब करीब जो इसकी लैम्ब्डा होती है बेटा जी वो होती है अप्रोक्सीमेट 15,000 एंगस्ट्रॉम, ये 1500 संभव नहीं है, 8,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ी होनी ही चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट अपन इसे 15,000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का सिग्नल अपन यूज करते हैं। अब इसकी जो लैम्ब्डा को अपन बदलते हैं मान नैनोमीटर में, तो ये हो गया आपका 1500 नैनोमीटर, इस वेवलेंथ की जो वेव है उसको अपन यूज करते हैं मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। और आजकल ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही शानदार मेथड है जिससे हम बहुत कम एनर्जी से, बहुत कम एनर्जी के उपयोग से और बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत ही सेफ्टी के साथ किसी इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, इसलिए इसका आंसर कौन सा बेटा जी, सेकंड आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 30 और ये अपना इसका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। इन ए लाइन ऑफ साइट रेडियो कम्युनिकेशन ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर इज कैप्ट बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना, इफ द हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज 70 मीटर देन द मिनिमम हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना शुड बी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, डी जो टोटल अपन पढ़ते हैं वो है कितना रूट 2RH, इसमें एक तो ट्रांसमिटिंग एंटीना की, दूसरा
ये कितना 2RH, ये बेटा रिसीविंग एंटीना। तो आपसे पूछा है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए, जिसमें से एक की रेंज आपको दे रखा है। हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना 70 मीटर हाइट, ये आपको दे रखी है और ये पूछी है। तो इसमें एक तो आप क्या काम करेंगे, जैसे मैं लिखूं इसको 2RST इज इक्वल टू, ये हो गया आपका d माइनस का रूट 2RHR, ये है रिसीविंग एंटीना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, सारा वैल्यू आपको दे रखा है, फिर जो वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर करके आप इसमें से ST, आपको ST फाइंड करना है। और ये ST थोड़ी सी मैथमेटिक्स आप काम में लेते हो तो अप्रोक्सीमेट ये 32 मीटर है वो मिल जाएगा। और आप देखें ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। EMW में बेसिकली क्वेश्चन आपका आ रहा है E to B कन्वर्ट करना, बिल्कुल सही सा है दूसरा, और वहां बहुत बेसिक था कि EBC का आपस में क्या रिलेशन है उसको प्रॉपर आप करें, ठीक है बेटे। दूसरा देखो जो कम्युनिकेशन है वहां एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और EMW के अंदर एक चीज और था, वो था इसमें एप्लीकेशन ऑफ EM waves, उसको भी ढंग से आप तैयार कर लें। यहां से क्वेश्चन है वो मोस्टली पूछे ही जाते हैं, लॉजिक गेट का अपने पर डिस्कस करा था वो सब, तो इन सब को आप ढंग से तैयार कर लें, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा इसमें, चाहे जी मैन हो आने वाला चाहे हो नीट 2020। ओके, तो इसको अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय CLC।